हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देवानंद। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल गाइडिंग लाइट में। कुछ लोग होते हैं वो अपने असफलता के लिए परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको ऐसे लगता है कि काश उनकी पढ़ाई अच्छे स्कूल में हुई होती, काश उनको अच्छी इंग्लिश आती होती, काश उन्हें अच्छा मैथमेटिक्स आया होता तो वो बहुत कुछ कर पाते। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इतिहास के पन्ने पलट कर देख लो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ नहीं मिला लेकिन वो इतिहास रचकर चले गए। आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे शख्सियत की जिनका जीवन पूरा संघर्ष से भरा रहा। बचपन में ब्रेड खा के गुजारा करना पड़ता था, आर्थिक परिस्थिति की वजह से स्कूल छोड़ना पड़ा। परिस्थितियों को सुधारने के लिए 13 साल की उम्र से ही मजदूरी करनी पड़ी। कौन सोच सकता था कि ये बच्चा आगे जाके इतिहास रचेगा। मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री, मैग्नेटिज्म फील्ड के महान वैज्ञानिक सर माइकल फैराडे के बारे में, जिनकी आविष्कारों की लिस्ट काफ़ी लंबी है। माइकल फैराडे सर ने इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफार्मर, डायनामो के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की खोज की थी। पहले रबर बलून ढूंढने वाले भी माइकल फैराडे सर ही थे। आइंस्टाइन सर का ऐसा मानना था कि फैराडे सर का काम न्यूटन सर और गैलीलियो सर के लेवल का था, इसीलिए आइंस्टाइन सर हमेशा अपने टेबल पर फैराडे सर की तस्वीर भी रखते थे। जितनी भी बायोग्राफी मैंने पढ़ी है वहाँ से तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आई है कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। शायद यही वजह है कि चाहे कितना भी समय बदला हो, युग बदले हो, परिस्थितियाँ बदले हो, लेकिन कड़ी मेहनत और लगन से किया गया प्रयास हमेशा अपना सुफल और चमत्कार दिखाता ही है। और यही कारण के वजह से कुछ लोग अभाव के बीच रहकर भी इतिहास रचकर चले गए। किस्मत तो सबको मौका देती है लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। माइकल फैराडे सर का जन्म 22 सितंबर 1791 नेविंगटन बर्ड्स लंदन में हुआ था। माइकल सर अपने माता पिता के चार बच्चों में से तीसरे नंबर पर आते थे। माइकल सर के पिताजी जेम्स फैराडे एक लोहार थे और माइकल सर की माताजी मार्गरेट हैसवेल एक मेड सर्वेंट का काम करती थी। माइकल सर के फैमिली में पढ़ाई लिखाई का कोई चलन नहीं था, क्योंकि उन दिनों क्या होता था, जो लोगों की आर्थिक परिस्थिति ठीक होती थी वही लोग साइंटिफिक काम करते थे। लेकिन माइकल सर के फैमिली का पूरा समय अपने जीवन के संसाधन जुटाने में चला जाता था। माइकल सर के पिताजी की हालत ठीक नहीं रहती थी, इसके वजह से क्या हुआ, आर्थिक परिस्थितियाँ बिकट होते गई और एक दिन ऐसा भी आया कि फैमिली को पूरा ब्रेड खाकर गुजारा करना पड़ता था। माइकल सर की बायोग्राफी ना केवल विज्ञान और खोज के बारे में बताती है बल्कि माइकल सर के धैर्य और दृढ़ संकल्पना शक्ति के बारे में भी बताती है। एक स्टैटिस्टिक के हिसाब से माइकल सर अपनी उम्र के 10 साल तक पहुंचेंगे कि नहीं, इसके चांसेस थे 27.7% और उनके माता पिता उम्र के 70 साल तक पहुंचेंगे कि नहीं, इसके चांसेस थे 5.9%। माइकल सर के पिता को एक टेम्परेरी जॉब मिल गया था, इसके वजह से माइकल सर की फैमिली जेकब्स वेल म्यू शिफ्ट हो गई थी। माइकल सर गरीबी से तो लड़ ही रहे थे, उसके साथ साथ और एक प्रॉब्लम थी कि माइकल सर को आर लेटर का प्रोनंसिएशन नहीं आता था, इसके वजह से माइकल सर को काफ़ी दिक्कत होती थी। एक दिन क्या हुआ, स्कूल टीचर ने माइकल सर से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो माइकल सर ने जवाब दिया माइकल फाउडे, क्योंकि सर को आर का प्रोनंसिएशन नहीं आता था। फिर स्कूल टीचर ने फिर से पूछा तुम्हारे भाई का नाम क्या है, तो सर ने रिप्लाई दिया रॉबर्ट, बल्कि सर ने रिप्लाई देना चाहिए था रॉबर्ट, लेकिन आर का प्रोनंसिएशन नहीं आता था। ये सुन के पीछे जो बच्चे बैठे थे वो बहुत खिल्ली उड़ाने लगे, मज़ा उड़ाने लगे। कुछ लोग माइकल सर के स्लैंग पे हंसने लगे, कुछ लोग उनके पहनावे पे हंसने लगे, कुछ लोग उनके कास्ट पे कमेंट करने लगे। तो ये सुनकर माइकल सर डर गए और माइकल सर रोने लगे। फिर टीचर ने उनको दो तीन क्वेश्चन पूछे, लेकिन सर का वही प्रॉब्लम था कि आर लेटर का प्रोनंसिएशन नहीं होता था। तो टीचर ने गुस्से में बोला कि मैं तुम्हारा क्या करूं, तुम कैसे सुधरोगे। तो पीछे एक लड़का बैठा था वो चिल्लाया कि इसे मारो, इसे फिजिकल टॉर्चर करो। ये सुनकर टीचर ने ड्रॉवर में छड़ी निकालने की कोशिश की, लेकिन ड्रॉवर में छड़ी नहीं थी। टीचर ने क्या किया, ड्रॉवर से पैसे लिए और एक बच्चे को भेजा मार्केट में और बोला कि मार्केट में जाओ और एक छड़ी लेके आओ। लेकिन वो जो बच्चा था वो बच्चा मार्केट में गया ही नहीं, वो सीधा माइकल सर के माताजी को रिपोर्ट कर दिया कि स्कूल में माइकल सर को मार रहे हैं। ये सुनकर माताजी डर गई और जल्दी से जल्दी स्कूल में आई, और स्कूल में आने के बाद टीचर को बोला मैं मेरे बेटे को यहाँ पे मार खाने को या बेइज्जत होने को नहीं भेज रही हूँ, मैं तो इसलिए भेज रही हूँ कि ये कुछ सीखे, आगे जाके कुछ बड़ा इंसान बने।
अगर आप उसको मार रहे हो तो क्या मतलब बनता है मैं उसको स्कूल में भेजूं? वैसे भी हम जो आपको ट्यूशन फीस दे रहे हैं वो हम कैसे दे रहे हैं हमें पता है, उसके बजाय मैं उस ट्यूशन फीस से कुछ अनाज खरीद लूंगी। वैसे भी दो ब्रेड के खा के हमारा गुजारा तो हो नहीं रहा है। तो माइकल सर के माता जी ने माइकल सर को स्कूल से निकाल दिया। अब माइकल सर और माता जी घर आए, और जब घर आए तो माता जी को एक रियलाइज हुआ कि जो टीचर के जो पैसे थे जो लड़के को दिए थे छड़ी लाने के लिए, वो माता जी के पास ही रह गए। तो माता जी ने माइकल सर को बोला, ये आपके टीचर के पैसे हैं, ये पैसे लो और टीचर को जाके देख के आओ। तो माइकल सर घबराए, माइकल सर बोले मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। तो वहीं पे माइकल सर की बहन थी एलिजाबेथ, बड़ी बहन एलिजाबेथ थी, वो माइकल सर को बोली कि ठीक है मैं आपके साथ आती हूँ। तो माइकल सर और उनकी बड़ी बहन एलिजाबेथ दोनों स्कूल में आए, और जैसे दोनों स्कूल में आए ये देखकर पीछे के लड़के चिल्लाने लगे, देखो माइकल सर की बड़ी बहन आई है, उसको भी आर लेटर का प्रोनाउंसिएशन नहीं आता होगा। एक लड़का बोला, नहीं बिल्कुल नहीं आता होगा, क्योंकि वो माइकल की बहन है, उसको कैसे आता होगा। ये देखकर एलिजाबेथ को गुस्सा आया, और एलिजाबेथ बोला कि नहीं मुझे आर लेटर का प्रोनाउंसिएशन आता है। और एलिजाबेथ ने गुस्से में रेड रैबिट ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो आर से शुरू होते हैं वो बोलना शुरू कर दिया, और एलिजाबेथ बोलते ही गई। ये सुनकर पूरी क्लास शांत हो गई। टीचर ने एलिजाबेथ से पूछा कि तुमने ये कहाँ से सीखा? तो फिर एलिजाबेथ ने रिप्लाई दिया, मैंने खुद से सीखा ताकि मैं अपने भाई माइकल को पढ़ा सकूँ। ध्यान में रखो, आज आप माइकल का मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन कुछ दिनों बाद माइकल बड़ा आदमी बनेगा और लोगों के सामने अच्छे से बात कर पाएगा। ये सुनकर स्कूल टीचर इम्प्रेस हुई, और एलिजाबेथ को जो पैसे थे छड़ी के वो एलिजाबेथ को दे दिए, और बोला ये आपका बख्शीश है, जाओ। एलिजाबेथ और माइकल सर दोनों घर आए, तब माइकल सर के माता जी ने एलिजाबेथ से बोला कि कुछ कैंडल खरीद के लाओ। तो जब कैंडल खरीदने की बात आती थी तब पैसे के लिए सोचा जाता था, लेकिन उस दिन क्या था, एलिजाबेथ के पास ऑलरेडी पैसे थे, तो एलिजाबेथ बोली कि मैं लेके आती हूँ। तो एलिजाबेथ ब्लैंडफोर्ड स्ट्रीट, एक फेमस स्ट्रीट था, वहाँ गई। वहाँ पे एक बहुत बड़ा शॉप था रायबूस प्लेस करके, उस शॉप में गई और वहाँ से कैंडल खरीदे। लेकिन जब कैंडल खरीद रही थी वहाँ पे जो ओनर था जॉर्ज रायबू वो वहाँ बैठा था, तो एलिजाबेथ ने उससे बात की और बातों बातों में ये बता दिया कि माइकल सर के साथ क्या हुआ था। तो जॉर्ज रायबू शॉक हो गया। जॉर्ज रायबू ये बोला कि आप इतने गरीब होकर भी पैसे रिटर्न कर दिए। ये सुनकर रायबू काफ़ी इम्प्रेस हुआ उनके ईमानदारी पे, और उनके ईमानदारी की वजह से एलिजाबेथ को बोला कि एक काम करो, माइकल को मेरे पास भेजो, मैं उसको जॉब में रख दूंगा। तो एलिजाबेथ खुशी के मारे उछलने लगी, और उछलते उछलते घर आई और अपने माता जी को बोला कि माइकल को जॉब लग गया है, अब माइकल जॉब कर सकता है। तो घर में खुशी का माहौल आ गया था, क्योंकि परिस्थिति बहुत बिकट थी। ये सुनकर माइकल सर थोड़े दुखी हो गए थे, क्योंकि माइकल सर को पता था अगर जॉब करना है तो स्कूल छोड़ना पड़ेगा। जो फिर माइकल सर दुखी होकर बैठ गए थे, तो माइकल सर के पिताजी माइकल सर के पास आए और बोले, देख माइकल, मैं तुझे पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन हमारी परिस्थिति नहीं है, और वैसे भी तू अब थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानता है, तो अब सफिशेंट है कि तू अब जी सकता है, और वैसे भी जो लंदन के स्ट्रीट्स है वो आपको सब सिखा देगी। तब माइकल सर की उम्र थी 13 साल। इमेजिन कीजिए, 13 साल की उम्र में माइकल सर ने डिसाइड कर लिया था कि एजुकेशन छूटने वाला है और काम करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, माइकल सर ने मन बना लिया, और नेक्स्ट डे क्या हुआ, माइकल सर जॉर्ज रायबू से मिले। जॉर्ज रायबू एक बहुत बड़ा बुक बाइंडर और बुक सेलर था। जब माइकल सर उससे मिले तो जॉर्ज रायबू ने माइकल सर को जॉब दिया। तो पहला जॉब क्या था कि न्यूज़पेपर बांटना। उन दिनों क्या होता था कि कुछ लोग पेपर खरीद पाते थे और कुछ लोग पेपर नहीं खरीद पाते थे, और जो लोग नहीं खरीद पाते थे वो लोग न्यूज़पेपर को रेंट पे लेते थे 1 घंटा या 2 घंटे के लिए। माइकल सर का जॉब क्या था कि कुछ लोगों को पर्टिकुलर समय पे न्यूज़पेपर जाके देना, और कुछ समय बाद न्यूज़पेपर कलेक्ट करके रायबू को देना। इस तरह से माइकल सर की लाइफ कट रही थी। एक दिन क्या हुआ, जॉर्ज रायबू एक बहुत बड़ा बुक बाइंडर था, तो बुक बाइंडिंग बहुत अच्छे से करता था। जॉर्ज रायबू के कस्टमर थे मिस्टर डांस, जो एक रॉयल इंस्टीट्यूशन में मेंबर थे। रॉयल इंस्टीट्यूट एक ऐसी संस्था है जो साइंस को प्रमोट करती है, और रॉयल इंस्टीट्यूट बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है। एक दिन जॉर्ज रायबू ने माइकल सर को बुलाया और बोला कि ये पैकेट लो, और एक उनके एक कस्टमर थे मिस्टर डांस, उनको जाके डिलीवर करो। मिस्टर डांस एक रॉयल इंस्टीट्यूशन था लंदन में, वहाँ के मेंबर थे। तो माइकल सर ने वो पैकेज लिया
और मिस्टर डांस के घर में गए। और जैसे ही मिस्टर डांसर ने वो पैकेट लिया और ओपन किया, तो उस पैकेट में एक डिक्शनरी थी। वो देख के मिस्टर डांस बहुत भावुक हो गए और बोलने लगे कि जॉर्ज रैबू, तू एक जादूगर है, तूने किस लेवल का बुक बाइंडिंग किया है। तो माइकल सर की उम्र 13 थी, तो माइकल सर क्यूरियोसिटी से देख रहे थे कि किसी बुक को देख के कोई भावुक कैसे हो रहा है। तब माइकल सर ने क्यूरियोसिटी से पूछा कि ये क्या है, तो मिस्टर डांस ने बोला कि एक डिक्शनरी है। फिर माइकल सर ने पूछा कि डिक्शनरी का यूज़ क्या होता है, तो मिस्टर डांस ने बोला कि डिक्शनरी आप किसी भी चीज़ का मीनिंग ढूंढने के लिए या करेक्ट स्पेलिंग ढूंढने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो मिस्टर डांस ने बोला, आपको नहीं पता कि डिक्शनरी क्या होती है? माइकल सर ने बोला, नहीं मुझे कुछ नहीं पता। तो मिस्टर डांस ने माइकल सर को घर के अंदर लिया और बुकों का इम्पोर्टेंस बताने लगे। माइकल सर ने न्यूटन सर के ग्रेविटी पे कुछ बुक्स थे वो दिखाई, कुछ पुराने जो बुक्स थे साइंस पे जो बुक्स थे वो दिखाने लगे। माइकल सर नज़र इधर उधर फेर रहे थे, तो वहाँ पे कुछ बुक्स रखे थे। तो माइकल सर ने बोला, ये बुक्स क्या है? तो मिस्टर डांस ने बोला कि ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है। तो माइकल सर को बिल्कुल पता नहीं था, तो माइकल सर ने फिर से पूछा कि ये बुक्स क्या होती है। तो मिस्टर डांस ने एक ही लाइन में जवाब दिया, ये सारे किताबें फुल ऑफ नॉलेज है, अगर कोई इसे पढ़ लेता है तो वो दुनिया का नॉलेजफुल इंसान बन जाता है। तो ये जो बात थी ये माइकल सर को लग गई। माइकल सर बोले, अगर मैं बुक पढ़ूंगा तो मैं भी नॉलेजफुल इंसान बनूंगा। तो वो एक मोमेंट था कि जहाँ पे माइकल सर को बुक का इम्पोर्टेंस क्या होता है ये पता चला। अब ये बात कहीं ना कहीं माइकल सर के दिमाग में छप गई कि मुझे बुक पढ़ना चाहिए। लेकिन माइकल सर छोटे थे तो उतने सीरियस नहीं थे, तो माइकल सर फिर से अपना जॉब करने लगे न्यूज़पेपर बांटने का। माइकल सर के नेचर के वजह से जॉर्ज रैबू काफ़ी खुश हो गया था। अब धीरे 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 माइकल सर की उम्र 14 साल हो गई थी। अब जब 14 साल हो गई थी तो माइकल सर ने ये डिसाइड किया, जब जॉर्ज रैबू इतना अच्छा बुक बाइंडिंग करता है तो ये बेटर है कि मैं उनसे सीख लूँ। तो माइकल सर ने जॉर्ज रैबू को जाके मिले और बोले कि मुझे आप जैसा बुक बाइंडर बनना है, मुझे बुक बाइंडिंग सिखाओ। तो फिर जॉर्ज रैबू ने बोला कि ठीक है, मैं आपको बुक बाइंडिंग सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको 7 साल का अप्रेंटिस करना पड़ेगा। तो माइकल सर ने बोला, ठीक है मैं अप्रेंटिस करने को तैयार हूँ, लेकिन अप्रेंटिस की कुछ शर्तें थी कि अप्रेंटिस के दौरान आप शादी नहीं कर पाओगे, अप्रेंटिस के दौरान आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, बस आपको रहने को मिलेगा। रायबू की जो शॉप थी उसके ऊपर एक छोटा सा रूम था, वो रूम में आप रह सकते हो। लेकिन रायबू सर का नेचर इतना अच्छा था कि रायबू सर ने बोला कि आप दिन भर काम सीखना बुक बाइंडिंग के, जब भी आपको फ्री समय रहेगा तब आप जो मेरी शॉप है, जो मेरे शॉप में जितने भी सारे बुक्स है आप उसको यूज़ कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो ये सुनकर माइकल सर खुश हो गए कि मैं बुक बाइंडिंग भी सीखूंगा और मैं बुक भी पढ़ना शुरू कर दूंगा। तब माइकल सर ने अप्रेंटिस शुरू कर दी। अब अप्रेंटिस शुरू हो रही थी कि कुछ दिनों में माइकल सर ने थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिखा लिया था बुक बाइंडिंग में। जब माइकल सर बुक बाइंडिंग कर रहे थे तो जो वो बुक बाइंड कर रहे थे तो उसको ध्यान से देखा तो वो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका थी, जो ऑलरेडी मिस्टर डांस के घर पे वो देख चुके थे। वो बुक को देख के खुश हो गए और काम रोक दिया, और काम रोकने के बाद उसको निहारने लगे कि बुक कैसा है। फिर सोचा कि आज रात मैं ब्रिटानिका पढ़ता हूँ। तब माइकल सर ने उस रात वो जो बुक थी इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की वो ओपन की। ऑथर थे जेम्स टाइटलर, उनका एक आर्टिकल था इलेक्ट्रिसिटी पे। तो वो जो था आर्टिकल माइकल सर पढ़ने लगे और माइकल सर क्यूरियोसिटी से पढ़ने लगे। लेकिन ये माइकल सर का फर्स्ट टाइम था कुछ चीज़ पढ़ रहे थे, तो माइकल सर को इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ पता नहीं था, चार्ज पता नहीं था, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कुछ पता नहीं था, बस सर पढ़ रहे थे। अब पढ़ते पढ़ते कुछ चीज़ें समझी और कुछ चीज़ें नहीं समझ में, लेकिन इतना समझ में आया कि ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ तो है। फिर सर कुछ दिनों बाद बुक पढ़ते गए, बाद में माइकल सर के हाथ में और एक बुक आई। एक लेडी थी जेन्स मार्सेट, उनकी एक बुक थी कन्वर्शन इन केमिस्ट्री। उस बुक की खास बात क्या थी कि उस बुक में कनेक्शन था केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी के बीच का। तो जब माइकल सर उस बुक को पढ़ रहे थे तब माइकल सर शॉक हो गए कि कितना कनेक्ट करता है केमिस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी से। तो माइकल सर को ऐसा लगा कि अब मुझे केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए। मतलब माइकल सर का ऑलरेडी इंटरेस्ट था इलेक्ट्रिसिटी में पहले बुक की वजह से, अब दूसरे बुक की वजह से केमिस्ट्री में भी इंटरेस्ट आ चुका था। तो माइकल सर ने सोचा कि अब मैं केमिस्ट्री सीखूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, सर पढ़ना तो चाहते थे लेकिन क्या करे, कैसे पढ़े, गाइड करने वाला कोई नहीं था। तो जॉर्ज रैबू भी कोई साइंटिस्ट नहीं थे कि उनको गाइड कर पाए। तो माइकल सर क्या करते थे, वो बुक को पढ़ते थे और वहाँ से कुछ लिखने का, डायग्राम करने का सोचते थे।
एक बार क्या हुआ, जॉर्ज रैबू कैजुअली माइकल सर के पास आया और उनका काम देखने लगा कि ये लिखता कैसे है, डायग्राम कैसे निकालता है। तो ये जॉर्ज रैबू ने जब माइकल सर की हैंडराइटिंग देखी तो जॉर्ज रैबू शॉक हो गए और इमीडिएटली जॉर्ज रैबू ने माइकल सर को बोला, माइकल तू मेहनत तो बहुत कर रहा है लेकिन तू जो लिख रहा है उसमें काफ़ी सारे मिस्टेक्स है, कहीं पे फुल स्टॉप नहीं है, कहीं पे कामा नहीं है और सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, ये तुझे चीज़ें सीखना पड़ेगा। तो ये सुनकर माइकल सर को रियलाइज़ हुआ कि मुझे बहुत कुछ इम्प्रूव करना है। फिर क्या हुआ कि माइकल सर सोचने लगे कि मुझे कोई टीचर चाहिए या मुझे कोई सिखाने वाला चाहिए। फिर माइकल सर के लाइफ में और एक बुक आई, उसका नाम था इम्प्रूवमेंट ऑफ माइंड बाय वैट। एक ऑथर थे वैट, उनकी एक बुक थी, उस बुक में ऐसे लिखा था कि जो भी आप लाइन पढ़ते हो उस पर बिलीव मत करो इमीडिएटली, उस चीज़ों को ट्राई करो एक्सपेरिमेंट में। ऑब्जर्वेशन की पावर, आप किस चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो उसका एक्सपेरिमेंट करके देखो। तो अगर आप देखा जाए तो माइकल सर के लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये तीन बुकों का था। अब जो इम्प्रूवमेंट ऑफ माइंड बुक कर पढ़ने के बाद माइकल सर काफ़ी इंस्पायर हुए और सोचे कि मैं अब एक्सपेरिमेंट करूँगा। जब माइकल सर सोच रहे थे एक्सपेरिमेंट करूंगा तो लकीली क्या था, रायबू सर के शॉप में बहुत सारी चीज़ें थोड़ी बहुत अवेलेबल होती थी और जो बुक बाइंडिंग के लिए जो टेबल यूज़ करता था वो टेबल वो यूज़ कर माइकल सर यूज़ कर सकते थे। तो माइकल सर ने सोचा कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ। तो जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट थे, जैसे मानो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के या कोई रब करने के या जो भी छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट थे वो करने लगे, और कुछ एक्सपेरिमेंट सक्सेस होते थे और कुछ एक्सपेरिमेंट फेल होते थे। जब एक्सपेरिमेंट सक्सेस होते थे तो माइकल सर की खुशी बहुत ज़्यादा हो जाती थी, माइकल सर बहुत खुश होने लगे थे। ऐसे एक्सपेरिमेंट करते गए और सर थोड़ा थोड़ा सीखते गए। एक दिन क्या हुआ, सर ने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, वो एक्सपेरिमेंट सर को करना ही था। तो सर ने कुछ पैसे जमा किए थे और मार्केट में सेकंड हैंड शॉप थी, वो सेकंड हैंड शॉप से दो बॉटल खरीदी थी, ग्लास की बॉटल, और वो ग्लास की बॉटल को ऐसे रखा था, अगर वो ग्लास की बॉटल रोटेट होती है और उस पर कुछ लेदर या एक पर्टिकुलर मटेरियल उसको रब करते रहते हैं तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के वजह से थोड़ा बहुत स्पार्क या थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी पैदा होने के चांसेस थे। तो वो एक्सपेरिमेंट वो करने गए और वो सक्सेस हो गया, उसका नाम था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिकल मशीन। वो समय पे ये काफ़ी कॉमन एक्सपेरिमेंट था। तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट सर करते गए और सर का जो प्यार था साइंस के प्रति वो बढ़ती गया। लेकिन सर ने कभी साइंस के फील्ड में जाना ये नहीं सोचा था, साइंस एज अ हॉबी बोलो या सेल्फ इम्प्रूवमेंट बोलो, ऐसा सर करते गए। उसके बाद क्या हुआ, सर और बुक्स पढ़ते गए। एक इटालियन बायोलॉजिस्ट थे लूजी गैल्वानी, उनका एक फेमस एक्सपेरिमेंट है फ्रॉग एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट पढ़ने के बाद सर फिर से इंस्पायर हुए कि मुझे तो बस साइंस ही करना है, मुझे साइंस में एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसे माइकल सर फील करते थे और माइकल सर सोचते थे कि अब मैं कुछ सीखूंगा, इसको सीरियसली लूंगा। लेकिन माइकल सर को ये नहीं पता था इनका जो पैशन है साइंस के प्रति वो कहाँ लेके जाएगा। एक दिन क्या हुआ, माइकल सर रस्ते से जा रहे थे तो एक एडवर्टाइजमेंट देखा कि हम साइंस की क्लासेस लेने वाले हैं। तो ये सुनकर माइकल सर काफ़ी खुश हुए। वो जो क्लास लेने वाले थे वो दो तीन फैकल्टी मिलके क्लास लेने वाले थे, लेकिन उसमें एक फेमस साइंटिस्ट थे जॉन टैटम, उनकी क्लास थी। तो माइकल सर बहुत खुश हो गए। लेकिन जब वो एडवर्टाइजमेंट के नीचे देखे तो वहाँ पे एक चीज़ लिखी थी कि हर क्लास की कुछ फीस है। तो फिर माइकल सर के पास पैसे नहीं थे, लेकिन क्या हुआ, माइकल सर के भाई को ये चीज़ पता चल गई, रॉबर्ट फैराडे को, कि माइकल सर क्लास अटेंड करना चाहते थे। और उस समय पे रॉबर्ट फैराडे लोहार का ही काम करते थे। तो फिर रॉबर्ट फैराडे ने पैसे माइकल सर को दिए और बोला कि आप क्लास अटेंड कर लो। ये जब हुआ तो माइकल सर काफ़ी खुश हो गए। लेकिन प्रॉब्लम था कि जॉर्ज रैबू सर की परमिशन भी चाहिए थी कि क्लास अटेंड करे या नहीं। तो जब माइकल सर जॉर्ज रैबू से मिले और बोला कि मुझे क्लास अटेंड करना है, तब फिर जॉर्ज रैबू ने बोला कि टाइमिंग क्या है क्लास का। तो टाइमिंग था एवरी वेनसडे रात 8 बजे जॉन टैटम के घर पे। तो जब रायबू सर ने बोला ये रात को 8 बजे क्लास है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना दिन भर बुक बाइंडिंग का काम कीजिए और रात को क्लास अटेंड कीजिए। तो ये सुनकर माइकल सर काफ़ी खुश हो गए और माइकल सर राह देख रहे थे कि कब क्लास शुरू होती है। और जब माइकल सर पहले दिन क्लास को गए तब जॉन टैटम सर ने कुछ सिखाया। अब वो सिखाने के बाद माइकल सर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था
क्योंकि माइकल सर के पास ना इंग्लिश का बैकग्राउंड था ज़्यादा, ना मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड था, तो सर थोड़े नाराज़ हो गए और सर को इमीडिएटली समझ में आ गया था कि मुझे पकड़ में नहीं आएगा साइंस इतने जल्दी, तो थोड़ा सा डिप्रेस हो गए और एक दो दिन डिप्रेशन में चले गए। फिर माइकल सर ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने टीचर से ही पूछूं, जॉन टैटम सर से ही पूछूं कि मैं क्या कर सकता हूँ। जब माइकल सर ने जॉन टैटम सर से पूछा कि अब मैं क्या करूँ, तो जॉन टैटम ने एक एडवाइस दी, एक काम कीजिए, तुम्हारे क्लास में जितने बच्चे हैं उसमें से किसी से फ्रेंडशिप कीजिए, कोई ना कोई आपको ज़रूर सिखा देगा। तो माइकल सर ने क्या किया कि माइकल सर ने क्लास में बहुत सारे लड़के थे, उसमें एक लड़का था बेंजामिन एबॉट, उससे फ्रेंडशिप की। और बेंजामिन एबॉट एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का था, तो वो माइकल सर की हेल्प करने को तैयार हो गया। तब आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ दिनों बाद माइकल सर और बेंजामिन एबॉट इनकी फ्रेंडशिप हो गई और ये फ्रेंडशिप लाइफ टाइम रही। माइकल सर ने अपने लास्ट दिनों तक बेंजामिन एबॉट से कांटेक्ट रखा और जब ये ट्यूशन का सिलसिला था, जब बेंजामिन एबॉट बोला कि मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, अरिथमेटिक्स सिखाऊंगा, लेकिन डिसाइड क्या हुआ था, हफ्ते में बस 2 ही घंटे मैं आपको दे पाऊंगा। तो जो हफ्ते में 2 घंटे की जो ट्यूशन बेंजामिन एबॉट माइकल सर को देते थे, ये ट्यूशन 7 साल तक कंटिन्यू रही। हमारे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि माइकल सर इम्प्रूव कैसे किए, इतने बड़े महान वैज्ञानिक बने कैसे बने होंगे, क्योंकि उसमें बेंजामिन एबॉट का बहुत बड़ा हाथ था। फिर क्या हुआ कि माइकल सर अब इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री के प्रति प्यार तो रखते थे और क्लास भी अटेंड करते थे, और क्लास में बहुत सारी चीज़ें समझ में आती थी और बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती थी। तो माइकल सर की एक हैबिट बहुत अच्छी थी कि क्लास में जितना भी पढ़ाया है वो सारी चीज़ें नोट डाउन करते थे रफ में, और जब रूम पे आते थे तो रूम में उसको फेयर करते थे, और एक बार वो फेयर हो गया विद डायग्राम तो उसको बाउंड करके रख देते थे। अब ये जो सिलसिला है ऐसा चल ही रहा था। फिर क्या हुआ, 1810 में माइकल सर के पिताजी का देहांत हो गया, तब माइकल सर की उम्र थी 19। अब माइकल सर के पिताजी का देहांत होने की वजह से थोड़ी सी कंडीशन और ख़राब हो गई, और माइकल सर को एक छोटी बहन थी मार्गरेट नाम की। अब माइकल सर ये सोचते थे कि मार्गरेट का एजुकेशन कैसे हुआ, उसको कौन पढ़ाएगा। तो माइकल सर ने ये सोचा कि जो मुझे पढ़ना लिखना आता है एटलीस्ट वो मैं मेरे बहन को ट्रांसफ़र करूँगा। अब ऐसा सिलसिला चलते गया और वो दिन आया कि जब सर की उम्र 21 हो चुकी थी कि अब अप्रेंटिस खत्म होने वाला था, क्योंकि अप्रेंटिस के 7 साल खत्म होने वाले थे, और ये 7 साल में जॉर्ज रायबू और माइकल फैराडे सर के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन था। एक आर्टिकल तो ऐसा भी कहता है कि जॉर्ज रायबू माइकल सर को अपने बेटे जैसा ट्रीट करते थे। अब ये दुख का मोमेंट था क्योंकि माइकल सर को रायबू सर से दूर होना था। जब माइकल सर की एज 21 थी, अब माइकल सर को एक स्ट्रांग डिसीजन लेना था कि मैं साइंस में जाऊं या बुक बाइंडिंग की तरफ जाऊं। फिर माइकल सर सोचते थे अब मैं क्या करूं, तो माइकल सर मिस्टर डांस से मिले जो रॉयल इंस्टीट्यूट के मेंबर थे, और उनको ये बताया कि सर मुझे एक दुविधा है, मैं बुक बाइंडिंग का जॉब करूं या साइंस का जॉब करूं। तब मिस्टर डांस ने बोला कि बुक बाइंडिंग में तो पैसा है, बुक बाइंडिंग से आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन साइंस में पैसा नहीं है। अगर आप बोलते हो कि आपको करियर साइंस में ले जाना है तो ये बहुत बड़ी रिस्क है, तो मेरे हिसाब से आप बुक बाइंडिंग में रहिए, लेकिन अल्टीमेटली चॉइस आपका है। तो माइकल सर फंस गए क्योंकि बुक बाइंडिंग आती थी और वहाँ से पैसा भी जनरेट होता था, और साइंस तो बिल्कुल नई चीज़ थी। लेकिन क्या हुआ, माइकल सर हमेशा साइंस के प्रति सोचते थे, ऐसा करते ही रहे। एक दिन माइकल सर उदास होकर बैठे थे, तब क्या हुआ कि माइकल सर के जो नोट्स थे, सर ने जो क्लास अटेंड किए थे जेम्स टैटम की क्लास के जो नोट्स थे वो बाउंड करके रखे थे। जॉर्ज रायबू ने एक बार वो नोट्स देखे और देखने के बाद शॉक हो गए क्योंकि माइकल सर बहुत अच्छा बुक बाइंडिंग करते थे। तो जॉर्ज रायबू ने वो जो नोट्स है वो मिस्टर डांस को दिखाए और बताया कि माइकल कितना अच्छा बन गया है एज अ बुक बाइंडर। तो मिस्टर डांस ने वो बुक बाइंडिंग देखी और बुक बाइंडिंग के अंदर जो नोट्स थे, जो केमिस्ट्री के नोट्स थे या साइंस के नोट्स थे, तो मिस्टर डांस को पता चल गया था कि ये बच्चा साइंस में बहुत ज़्यादा सीरियस है। तब मिस्टर डांस ने क्या किया, खुशी खुशी में जो रॉयल इंस्टीट्यूट में एक लेक्चर होने वाले थे, द ग्रेट केमिस्ट हम्फ्री डेवी सर के कुछ क्लास होने वाले थे, तो मिस्टर डांस ने क्या किया, उस क्लास के 4 टिकट्स माइकल सर को फ्री में दे दिए और बोला कि आप जाके क्लास अटेंड करो। अब ये जब हम्फ्री डेवी सर के टिकट माइकल सर को मिले तो माइकल सर देख के शॉक हो गए। माइकल सर को लगा कि मैं रॉयल इंस्टीट्यूट में जाने वाला हूँ क्लास अटेंड करने के लिए, मतलब मुझे और भी साइंस सीखने को मिलेगा। तो फिर माइकल सर बहुत खुश हो गए। और क्या हुआ, 1812 एक लीप ईयर था, तो उस लीप ईयर में जो हम्फ्री डेवी सर का पहला क्लास था वो 29 फरवरी को था।
तो माइकल सर 29 फरवरी की राह देख रहे थे और आखिर वो दिन आया और माइकल फैराडे सर 1.5 घंटे पहले ही रॉयल इंस्टीट्यूट के थिएटर में जाके बैठ गए और वहां जाके निहार रहे हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहां से मुझे प्रॉपर दिखेगा। तो वहां पे रॉयल इंस्टीट्यूट के थिएटर में वहां पे एक क्लॉक था और क्लॉक के ऊपर एक गैलरी थी, तो वो गैलरी में माइकल फैराडे सर हमेशा बैठते थे और माइकल सर के पास हैट रहता था। तो जब क्लास शुरू हुई तो माइकल सर ने अपने नी के ऊपर हैट रखा और हैट के ऊपर पेपर रखा, तो सर ऐसे लिखते थे। अब क्या हुआ कि जैसे ही हम्फ्री डेवी सर की एंट्री हुई, सब लोगों ने क्लैप किया, सब लोग चिल्लाने लगे, क्योंकि उस समय पे हम्फ्री डेवी सर का क्रेज बहुत था और हम्फ्री डेवी सर का कंट्रीब्यूशन केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा था। और सर छोटे थे तो सर देख रहे थे कि किस तरह से हम्फ्री डेवी सर बात कर रहे हैं। तो फैराडे सर ने हम्फ्री डेवी सर ने जो जो बोला वो ईच एंड एवरी डिटेल नोट करना शुरू कर दिया। और क्या करते थे, जैसे ही क्लास खत्म हुआ रूम पे आके इमीडिएटली वो जो रफ लिखा है उसको फेयर करते थे और फेयर करने के बाद उसको बाउंड करके रख देते थे। ये प्रैक्टिस था फैराडे सर का। तो माइकल सर ने हम्फ्री डेवी सर के 4 लेक्चर अटेंड किए थे। उसके बाद तो माइकल सर को ऐसा बिल्कुल लगने लगा था कि मैं साइंस में जाना चाहिए। अब सर की जो माइकल सर को ऐसे बार बार फील होता था कि मैं किसी भी तरह से साइंस में जाना चाहिए, और ये फीलिंग की वजह से क्या हुआ, माइकल सर को लगता था कि मैं बुक बाइंडिंग में फंस गया। तो माइकल सर ने बेंजामिन एबॉट को बताया, उनके दोस्त को बताया कि मैं बुक बाइंडिंग में फंस चुका हूँ, मुझे साइंस में जाना है। तो बेंजामिन एबॉट ही थे जो माइकल सर को सपोर्ट करते थे। लेकिन माइकल सर को और एक इंसान थे, एडवर्ड मैग्रथ, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। जब माइकल सर एक्सपेरिमेंट करते थे तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए किसी की मदद लगती थी, तो एक शख्स थे एडवर्ड मैग्रथ जिन्होंने माइकल सर की एक्सपेरिमेंट में बहुत काफ़ी मदद की थी। अब माइकल सर सोच रहे थे कि मैं रॉयल इंस्टीट्यूट में कैसे मेंबर बनूं, मैं किस तरह से साइंस में पार्टिसिपेट कर सकता हूं, तो ये माइकल सर के दिमाग में हमेशा रहता ही था। अब क्या हुआ कि माइकल सर ने विलियम डान सर को बताया कि मुझे साइंस में जाना है। तो विलियम डान सर ने बोला कि ठीक है, मैं कुछ देखता हूँ, कुछ रेफरेंस है तो आपको बताऊंगा। किस्मत का दरवाज़ा खुला और एक दिन क्या हुआ कि हम्फ्री डेवी सर अपने लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो कुछ एक्सपेरिमेंट करते करते एक एक्सप्लोजन हुआ और उस एक्सप्लोजन में हम्फ्री डेवी सर की आँखों को काफ़ी इंजरी हो चुकी थी। मतलब ये था कि हम्फ्री डेवी सर कुछ लिख नहीं पा रहे थे, कुछ काम नहीं कर पा रहे थे, तो उनको एक इमीडिएट बेसिस पे एक असिस्टेंट चाहिए था। अब असिस्टेंट ऐसा चाहिए था जिसको थोड़ी बहुत केमिस्ट्री की नॉलेज हो। तब क्या हुआ, मिस्टर डांस ने हम्फ्री डेवी सर को बताया फैराडे के बारे में कि फैराडे थोड़ा बहुत केमिस्ट्री जानता है, आप उसको असिस्टेंट रख सकते हो। तो हम्फ्री डेवी सर ने इमीडिएटली माइकल फैराडे को बुलाया और बोला कि आप असिस्टेंट का जॉब कर सकते हो। तो फैराडे सर बहुत खुश हो गए और फैराडे सर इमीडिएटली हम्फ्री डेवी सर को जाके मिले और जॉब करना शुरू कर दिया। लेकिन माइकल सर का जॉब था असिस्टेंट की तरह, मतलब एपरेटस सेटअप करना, जो भी ट्यूब्स होते थे उसको क्लीन करना, ये जॉब था। अब लेकिन माइकल सर साइंस के फील्ड में थे तो माइकल सर काफ़ी खुश थे, माइकल सर को कोई रिग्रेट नहीं था, माइकल सर की लाइफ चल रही थी ठीक। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन बाद हम्फ्री सर रिकवर हो गए और जैसे हम्फ्री सर रिकवर हो गए तो हम्फ्री सर को अब असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं थी। अब हम्फ्री सर ने माइकल सर को बोला कि आप अपने नॉर्मल जॉब में जा सकते हो, अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो माइकल सर फिर से आ गए, लेकिन अब जो है माइकल सर को बिल्कुल भी बुक बाइंडिंग अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो ऑलरेडी रॉयल इंस्टीट्यूट में जा चुके थे, रॉयल इंस्टीट्यूट में काम कर चुके थे। तो माइकल सर को अब किसी भी हालत में रॉयल इंस्टीट्यूट में जाना था। अब दिक्कत ये थी, जाए कैसे, क्योंकि माइकल सर के पास ना कोई डिग्री थी ना कोई बहुत बड़े सर्टिफिकेट थे, बस जो था वो एक्सपेरिमेंट का नॉलेज था। अब सर दुखी रहने लगे और सर राह देखने लगे कि कुछ चमत्कार हो। लेकिन फिर एक दिन माइकल सर की किस्मत फिर से चमकी। क्या हुआ, मिस्टर डांस माइकल सर को मिले और बोला कि आप एक काम करो, अगर आपको रॉयल इंस्टीट्यूट में जॉब करना है तो सीधे आप हम्फ्री डेवी सर को लेटर लिखिए और उनको बताइए कि आपको साइंस में कितना इंटरेस्ट है, तब जाके कुछ हो सकता है। तो माइकल सर को ये सजेशन काफ़ी पसंद आया और माइकल सर ने क्या किया, हम्फ्री डेवी सर को एक बहुत अच्छा लेटर लिखा। उस लेटर में रिक्वेस्ट की कि माइकल सर को साइंस में आना है और माइकल सर को साइंस कितना पसंद है, ये लेटर में लिखा। और उस लेटर के साथ साथ जो माइकल सर ने हम्फ्री डेवी सर के जो 4 लेक्चर थे उसके जो नोट्स बाउंड किए थे वो भी भेज चुके थे, और वो जो नोट्स थे 300 पेजेस से ज़्यादा थे, तो वो नोट्स भी भेज दिए।
अब जब हम्फ्री डेवी सर को माइकल सर का लेटर मिला तो उस जो लेटर था उस लेटर में माइकल सर का एंथुजियाज्म बहुत झलकता था। और जब हम्फ्री डेवी सर ने माइकल सर का जो बुक बाइंडिंग का काम देखा तो हम्फ्री डेवी सर काफी इंप्रेस हो चुके थे। लेकिन समस्या ये थी उस वक्त रॉयल इंस्टीट्यूट में कुछ भी ओपनिंग नहीं थी तो कोई चांस ही नहीं बनता था। तो हम्फ्री डेवी सर ने माइकल सर को लेटर लिखा और बोला कि मैं तो चाहता हूँ आप मेरे साथ काम करो, लेकिन समस्या ये है कि रॉयल इंस्टीट्यूट में अभी कोई भी ओपनिंग नहीं है, इसीलिए आपको जॉब नहीं मिल सकता। मतलब ये था कि माइकल सर की फिर से आशाओं पर पानी फिर गया था। और माइकल सर अब ये सोच रहे थे कि सारे रास्ते अब बंद हो गए, अब मुझे कभी भी चांस नहीं मिलेगा साइंस फील्ड में उतरने का। लेकिन किस्मत का दरवाज़ा फिर खुला। रॉयल इंस्टीट्यूट में एक असिस्टेंट था विलियम पाइन, वो 10 सालों से रॉयल इंस्टीट्यूट में काम करता था। वो जो विलियम पाइन था उसका एक असिस्टेंट के साथ झगड़ा हो गया था, तो वो झगड़ा इतना बढ़ चुका था कि वो झगड़े के वजह से विलियम पाइन को निकाल दिया था। मतलब ये था कि रॉयल इंस्टीट्यूट में एक असिस्टेंट की पोस्ट खाली हो चुकी थी। अब वो जो पोस्ट खाली हो चुकी थी उसको तो फिल करना पड़ेगा। तो हम्फ्री डेवी सर ने क्या किया, हम्फ्री डेवी सर ने अपने जो अपर मैनेजर थे उनको बोला कि ये पोस्ट के लिए एक लड़का है मेरे पास, उस लड़के का नाम है माइकल फैराडे, जिसकी एज है 22, जो काफ़ी इंटरेस्ट रखता है साइंस में और मुझे लगता है कि ये फिट है इस पोस्ट के लिए। और हम्फ्री डेवी सर का जो रेपुटेशन था रॉयल इंस्टीट्यूट में वो काफ़ी ज़्यादा था, तो कोई सर को ना नहीं बोल सकता था। एक आदमी माइकल सर के पास आया और बोला कि हम्फ्री डेवी आपको मिलना चाहते हैं। अब ये सुनकर माइकल सर को तो बहुत शॉक हुआ, क्योंकि माइकल सर ने होप छोड़ दी थी। तो माइकल सर जब हम्फ्री डेवी सर से मिले तो हम्फ्री डेवी सर ने बोला कि एक पोस्ट है रॉयल इंस्टीट्यूट में, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सुन के फैराडे सर बहुत खुश हो गए और फैराडे सर ने बोला कि मैं डेफिनेटली ये पोस्ट ज्वाइन करूँगा और बुक बाइंडिंग छोड़ दूंगा। अब क्या हुआ, कुछ दिनों बाद फॉर्मेलिटी कंप्लीट हुई और माइकल फैराडे सर को एज अ असिस्टेंट इन रॉयल इंस्टीट्यूट जॉब मिल गया। वहाँ पे सैलरी भी थी और रॉयल इंस्टीट्यूशन लंदन के बेसमेंट में 2 रूम का एक घर था।